आईसीआईसीआई बैंक का सबसे सस्ता होम लोन 31 मार्च तक। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 6.70% तक घटाने की घोषणा की है। ग्राहक इस ब्याज दर का लाभ 75 लाख तक के होम लोन के लिए उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दरों को 6.75% पर आंका जाता है। बैंक ने कहा है कि ब्याज दर की पेशकश 31 मार्च तक वैध है, ये इस दशक की सबसे निचली दर है। पीएनबी के ग्राहक 31 मार्च तक कर लें ये जरूरी काम। खाता धारक हैं तो आपको 31 मार्च तक जरूरी काम निपटाने होंगे, वरना आपका लेन देन लटक सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने IFSC और MICR कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा, यानी 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपके पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा। SBI दे रहा है 6.7% पर 75 लाख का होम लोन। SBI होम लोन पर बड़ा ऑफर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट के साथ 6.7% से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ 70 BPS तक की छूट देने की घोषणा की है। लोन की रकम, ब्याज और प्रोसेसिंग फीस की माफी आवेदक के CIBIL स्कोर के पर निर्भर करेगी। जो लोग होम लोन का लाभ उठाना चाहते हैं वो बैंक के योनो ऐप से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकता है। पीएम किसान में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 11.69 करोड़ हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए 2,000 की 3 किश्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किश्त किसानों के खाते में जा चुकी है। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वो अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं और यदि उनका ये आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली के बाद उन्हें 2,000 रुपए मिलेंगे और साथ ही अप्रैल या मई में आपको दूसरी किश्त के रूप में 2,000 रुपए और मिल जाएंगे। KCC पाने का 31 मार्च तक आसान मौका। अगर आप किसान हैं और अब तक आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है तो निराश ना हो। सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। जिन किसानों को अभी तक KCC नहीं मिला है वो अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने KCC प्राप्त करने के प्रोसेस को बेहद सरल बना दिया है। अब किसानों को एक बेहद आसान फॉर्म भरना होगा और 15 दिनों के भीतर उन्हें KCC प्राप्त हो जाएगा। बता दें, KCC लोन पर 3 लाख रुपए तक के सेवा शुल्क को माफ कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 मार्च। आयकर विभाग ने को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के अंतर्गत विवरण देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, CBDT ने विवाद से विश्वास कानून के तहत घोषणा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी है। बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। इस योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा 28 फरवरी थी, जबकि विवादित कर राशि भुगतान की समय सीमा 31 मार्च थी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।